डॉक्टर साहब, स्लिप डिस्क बहुत ही आम चीज़ है, इसकी शिकायत लोगों में बहुत ज़्यादा होती भी है, तो आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन सी परिस्थिति में, कौन सी सिचुएशंस में इसके होने का खतरा बढ़ जाता है, और ऐसे लोग जिन्हें इसकी शिकायत अक्सर होती रहती है वो अपनी डेली लाइफ में किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। देखिए, आजकल कमर का दर्द एक बहुत ही आम बात हो गई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको कि कमर दर्द नहीं होता है। थोड़ा बहुत कमर दर्द जरूर होता है, लेकिन हमको फ़र्क करना है कि स्लिप डिस्क से कैसा दर्द होता है। तो आपको थोड़ा संरचना समझना चाहिए। स्पाइन जो हमारा है, उस हर एक स्पाइन के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जो अपने जगह से घसक करके, हट करके, हर्निएट कर जाता है और नस को जा करके दबाने लगता है, और ऐसे दर्द को हम लोग स्लिप डिस्क का दर्द बोलते हैं, या सियाटिका बोलते हैं, कोई कमर दर्द बोलते हैं। तो ऐसा दर्द किसी एक पैर में होगा, एक डायरेक्शंस में होगा, दाहिने होगा या बाएं होगा, जहाँ पर का वो नस दबता है उस जगह का वो दर्द होता है। ऐसा दर्द किसको होगा? तो ऐसा आजकल लोग का सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कुर्सी पर बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, तो ऐसे में ये दर्द की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मसल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मसल उसका उस चीज़ को पकड़ के रख नहीं सकता है, तो फिर वो स्लिप डिस्क की सिचुएशन आती है और दर्द होता है। अगर काफ़ी ज़्यादा डिस्क हर्निएट कर गया तो बहुत ही एक्यूट पेन होता है, और ऐसे स्थिति में कभी कभी ऑपरेशन करने की भी आवश्यकता होती है। हाँ, पहले ऑपरेशन जो है बहुत लंबे प्रकार के होते थे, आजकल बहुत माइनर ऑपरेशंस के द्वारा भी ये किया जाता है। एक डिस्क, माइक्रो डिस्कोटोमी बोलते हैं, जिसमें कि एक छिद्र बना कर उस डिस्क को वहाँ से हटा देते हैं। डिस्क का जो पार्ट हर्निएट करके नर्व्स को दबाता है, वो उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो वो कुछ दिन के बाद उसकी साइज छोटी हो जाती है, नस पर से दबाव कम हो जाता है और दर्द भी लोग को महसूस कम होने लगता है। तो इस तरह से कमर का दर्द जो स्लिप डिस्क और नस के कारण होता है वो ठीक भी हो जाएगा, और फिर भी उसमें पीरियोडिसिटी रहेगा। दर्द आया, धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन विथ टाइम ग्रेजुअली अगर आदमी इसके लिए उचित अपना इलाज नहीं करा रहा है तो इसकी ये तीव्रता बढ़ती जाती है, और एक समय आता है जबकि वो बेडरिडन हो जाता है। इसलिए ऐसे में लोगों को अपने मांसपेशियों को काफ़ी सुदृढ़ करना है। बैक मसल एक्सरसाइज करेंगे नियमित रूप से, तो इससे आप इजाद पा सकते हैं।